हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। ये देखिए फ्रेंड, आपको आज हम अफ़गानी सलवार की कटिंग बताएंगे। इस पर पहले मैंने सारा मेज़र किया हुआ है फ्रेंड्स। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए मैं आपको आज इस अफ़गानी सलवार की कटिंग बताती हूँ। इसकी फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ से हमारी जो टोटल लेंथ है वो 35 इंच है। ये देखिए फ्रेंड, इसकी टोटल जो हमें पूरी फुल लेंथ बनानी है वो 38 इंच है, और 38 इंच हमारी मोहरी को जॉइंट करके है। लेकिन इसमें मैंने मोहरी अभी अलग से बनाई हुई है, ये 3 इंच की मोहरी है एंड 35 इंच का ये यहाँ से लेकर और हमारे मोहरी के ऊपर तक का ही पूरा 35 इंच है, और फुल लेंथ हमारी फ्रेंड 38 इंच है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना 2 इंच का मार्जिन रखा है इलास्टिक के लिए पूरा। ये हमने बेल्ट वाली जगह पे रखा है पूरा। ये हमारा 18 इंच है, 18 इंच यहाँ तक हो रहा है, और क्रॉच एरिया हमने रखा है 12 इंच। क्रॉच एरिया है हमारा 12 इंच। 12 इंच के बाद ऊपर हमारा 2 इंच है, और 1 इंच हमने बैक साइड के लिए ऐड किया है। 2 इंच हमें आगे वाली साइड पर रखना है, और 1 इंच एक्स्ट्रा हमें बैक साइड पर रखना है। अभी हम आपको कटिंग में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए ये पूरा हमने निशान लगा लिया है यहाँ पे। ये हमने 18 इंच पे लगाया था, 2.5 इंच पे आगे एक निशान लगाते हुए फ्रेंड हमने इसको ये 1 इंच का गैप देते हुए इसको राउंड शेप दिया है। ये हमने 2.5 इंच का गैप रखा है इधर। यहाँ से फ्रेंड ये देखिए, मोहरी की साइड हमने नीचे से 15 इंच रखा है। हमको रेडी मोहरी करनी है वो करनी है 13 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक्स्ट्रा ही रखा है इसको। ये हमने फ्रेंड्स 4 फोल्ड किया हुआ है कपड़ा, 1, 2, 3 और 4। 4 फोल्ड है, ये दोनों पार्ट एक साथ ही कट होंगे हमारे। हमारा 15 इंच पे यहाँ पे निशान लगा के, और यहाँ से 2.5 इंच पे जो निशान लगा, हल्का सा टर्न देते हुए हमने इन दोनों निशानों को, मेजरमेंट के निशानों को मिला दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से है। और ये देखिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ पे मोहरी कट कर ली है। हमको इस तरह से हल्का सा टर्न वाली कट वाली मोहरी बनानी है, तो उसके हिसाब से मैंने इसको बना के रखा हुआ है। 13 इंच हमको लेंथ, मोहरी रेडी चाहिए। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा 16 इंच रखा है। ये फ्रेंड्स मैंने 4 इंच रखा है, 3 इंच मुझे मोहरी चाहिए। 1/2 इंच स्टिचिंग में ऊपर जाएगा, 1/2 इंच नीचे चला जाएगा, तो इस तरह से मेरी 3 इंच की मोहरी रेडी हो जाएंगी। चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए मैं आपको इसका कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने अपनी कटिंग कर ली है। ये हमारा मोहरी का पार्ट निकल के आ गया है। इसको हम बकरम पर ही सेट करेंगे, पेस्टिंग वाली बकरम पर। ये हमारी मोहरी हो गई है। इस तरह से हमने इसका पूरा अपना अफ़गानी सलवार की कटिंग कर दी है। ये देखिए, ये इस तरह से आएगा हमारा। यहाँ पे पूरा हम अपना अच्छे से ये पूरा प्लेट सेट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारी सीधी साइड है, और सीधी साइड से हम आगे के पार्ट में आगे के दोनों साइड से लेके इसको हम पूरा यहाँ तक 1 इंच का कटिंग कर देंगे इसको। ये देखिए, हमने अपना आगे के दोनों पार्ट में 1 इंच इसके बैक वाले पार्ट से कट कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने आपको बहुत ही इजी तरीके से अपनी अफ़गानी सलवार की कटिंग बताई है। अब इसकी फ्रेंड हम लोग स्टिचिंग करना आपको बताएँगे।